हिप हिप हुर्रे हिप हिप हुर्रे चलो थैंक यू सर। हेलो नमस्ते सत श्री अकाल, बड़ों को नमस्कार और छोटों को प्यार। गाइस आज संडे है और हम जा रहे हैं संडे की राइड पे और बहुत दिनों बाद मैं राइड कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट 2-3 महीने हो गए हैं। आज जो मैं राइड कर रहा हूँ स्वदेशी बजाज KTM का जो शोरूम है नॉर्थ दिल्ली में। तो आपने लास्ट ब्लॉग देखा होगा जब RC 200 लॉन्च हुई थी तब मैंने कवर किया था इस शोरूम को। तो दीपक भाई का फ़ोन आया था, भाई सुबह राइड है, और रात को फ़ोन आ रहा है और सुबह हम पहुंच गए हैं इनके शोरूम पे। तो ये KTM की राइड है और आज फर्स्ट राइड है इनकी। तो हम जा रहे हैं जेवर, जो कि यूपी में है, जेवर एक्सप्रेसवे पे है, यमुना एक्सप्रेसवे पे जेवर। तो आज ब्रेकफास्ट करेंगे और मेरा दूसरा मोटो है कि हम आज राइड करने वाले हैं KTM एडवेंचर 390 बाइक। मैं फ्यूचर में प्लान कर रहा हूँ उस बाइक को लेने का, अभी टेस्ट राइड भी हो जाएगी, काफी लॉन्ग राइड है। दोनों में मैं फिर कंपेरिजन कर पाऊंगा डोमिनार और 390 KTM एडवेंचर में। तो चलते हैं दीपक भाई के पास स्वदेशी बजाज के शोरूम पे। तो वैसे अभी हम हैं शोरूम में और राइड लगभग शुरू होने वाली है और बाहर सारी बाइक के लाइनअप हैं। ये देखिए सामने एक KTM की सारी बाइक के लाइनअप है और हम हैं फर्स्ट फ्लोर पे। कुछ ही देर में अभी राइड शुरू होने वाली है और ये है KTM एडवेंचर मेरी नेक्स्ट बाइक, ये होने वाली है KTM एडवेंचर 390। ये हमारे दीपक भाई एक बार फिर हेलो बोल दो। हाउ आर यू? तो अभी हम जाएंगे हाईवे मसाला ना, हाईवे मसाला पे जेवर नोएडा में। सी यू देयर गाइस। और हम सिविल लाइन से निकल रहे हैं, ये सारे बाइकर्स हैं KTM राइडर्स। हम जा रहे हैं जेवर नोएडा हाईवे मसाला पे, जो कि यहाँ से 80 किलोमीटर की राइड है और ये मैं फर्स्ट टाइम KTM एडवेंचर 390 को राइड कर रहा हूँ और सच में बहुत ही डिफरेंस लग रहा है कंफर्ट के हिसाब से। पिकअप तो है ही है, KTM का नाम है पिकअप में, मुझे तो काफ़ी अच्छी लग रही है यार अभी तक जितनी मैंने चलाई है, और बैठने में बहुत ही कंफर्टेबल है और मेरा पोस्चर भी बहुत ही शानदार है, मतलब कि बिल्कुल सही पोस्चर में मैं राइड कर पा रहा हूँ। आज काफ़ी एक्सपीरियंस होने वाला है मेरा 390 KTM एडवेंचर का। तो मैं फ्यूचर में प्लान करूँगा इस बाइक को ख़रीदने के लिए, तो होप फॉर द बेस्ट और एंजॉय कीजिए हमारी राइड को। और अभी हम जा रहे हैं राजघाट वाली रोड पे और यार बहुत मज़ा आ रहा है KTM एडवेंचर 390 चलाने में, काफ़ी कंफर्ट फील हो रहा है मेरे को एज़ कम्पेयर टू डोमिनार, क्योंकि लास्ट 3 ईयर से मैं डोमिनार राइड कर रहा हूँ और डोमिनार में कोई कमी नहीं है। डोमिनार बहुत ही शानदार बाइक है, जैसे मर्जी यूज़ करो उसको, रफ एंड टफ बहुत साथ दिया मेरा डोमिनार ने। एक मुझे जो माइनस पॉइंट सिर्फ यही लगता है थोड़ा कंफर्ट इशू और सीट उसकी कंफर्टेबल नहीं है। 2-3 बार मैं मॉडिफाई करा भी चुका हूँ लेकिन उतना मज़ा नहीं आया अभी तक, लेकिन 390 में ये दोनों एडवांटेज लग रही है मुझे। एक तो सीट काफ़ी कंफर्टेबल है, पिलियन सीट भी काफ़ी कंफर्टेबल है, क्योंकि मैं पहले पिलियन भी काफ़ी देर में राइड करी है पिलियन एज ए पिलियन, और अब तो बाइक चलाने में बहुत ही मज़ा आ रहा है, मज़ा शानदार। और हमारा जो नेक्स्ट स्टॉपेज है वो है DND टोल। अभी आगे जो DND टोल आएगा वहाँ पे हम एक स्टॉपेज लेंगे, वहाँ पे भी कुछ राइडर शायद हमारे साथ जुड़ेंगे और फिर चलेंगे हम नोएडा जेवर जो हाईवे मसाला पे। हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया है और हमने 40 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया है और नेक्स्ट 40 किलोमीटर का डिस्टेंस और रह गया है और DND से काफ़ी हम आगे आ गए हैं और
हेलो भाई, क्या नाम होगा? नितिन भाई है आपको नाम? जसवंत। जसवंत भाई है, सारे राइडर आज राइड पे आए हैं। और फर्स्ट टाइम है आपका? फर्स्ट टाइम है। आपका नाम? अंशुल। सुमित। सुमित, सब फर्स्ट टाइम आए हैं आप? मजा आ रहा है खूब? आपका नाम? मेरा नाम सैरभ। सैरभ, मजा आ रहा है? वेरी गुड, तो खूब मजा आ रहा है सभी को, क्योंकि फर्स्ट टाइम, मोस्टली सभी की फर्स्ट टाइम राइड है। तो अभी चले गए हैं हाईवे मसाला पे। और ये हम यमुना एक्सप्रेस पे आ गए हैं। जेवर यहाँ से 38 किलोमीटर है, तो यहाँ से यमुना एक्सप्रेस शुरू हो जाता है। एक साइड का 4 लेन हाईवे है, बहुत ही मस्त हाईवे है। इस रूट पे बाइक चलाने का मज़ा ही अलग है यार, लीन करने का, ओए लीन करने का बाइक मज़ा आ रहा है। वाह जी वाह, यमुना एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। यमुना एक्सप्रेस वे, वेलकम टू यमुना एक्सप्रेस वे। This is the future. तो गाइस 9:39 हुआ है और हम पहुंच गए हैं जेवर हाईवे मसाला पे। और ये पीछे हमारी सारी KTM बाइक लाइनअप हो गई हैं, यहाँ पार्किंग हो गई है। और साथ में है हाईवे मसाला, और यहाँ पे हमारा आज ब्रेकफास्ट है। और फर्स्ट राइड थी KTM के साथ मेरी, और बहुत ही मज़ा आया है। और काफ़ी हमने बाइक को भगाया, खूब भगाया यहाँ पे। बहुत ही शानदार, मतलब कि बैलेंस बाइक है, और कंफर्ट भी काफ़ी अच्छी है, कंफर्टेबल सीट्स हैं, और प्लेन सीट भी बहुत अच्छी है। मॉर्निंग संडे में काफ़ी यहाँ पे रश होता है, तो चलते हैं अंदर, वहाँ चल के करते हैं ब्रेकफास्ट और मज़े करते हैं। और ये हमारे पीछे टेबल लगी हुई है, पीछे सारे बाइकर्स फ्रेंड यहाँ पे बैठे हुए हैं, और यहाँ पे हम करेंगे अभी ब्रेकफास्ट। This is the future. ब्रेकफास्ट इज़ ओवर, और हमने बढ़िया तरीके से ब्रेकफास्ट खाया है, और जिसमें परांठा था और पोहा था विद कॉफ़ी। हमारे साथ बहुत सारे राइडर्स आए हुए हैं जो फर्स्ट टाइम राइड कर रहे हैं, तो उनसे थोड़ा एक्सपीरियंस जान लेते हैं। ये हमारे सारे राइडर भाई लोग हैं जो फर्स्ट टाइम राइड पे आए हैं। तो भाइयों, आपको राइड का आज का एक्सपीरियंस बताओ मुझे, थोड़ा कैसा लगा आज की राइड? अच्छी लगी, ऑसम। फर्स्ट टाइम आए हैं आप सब? हाँ सर। हाँ जी सर। नहीं, मेरा तो बहुत बार। आप, आपका बार बार? मेरा बार बार। अच्छा, आपका कई बार हो चुका है, लेकिन मोस्टली यहाँ पे फर्स्ट टाइम राइड पे आए हैं। और सभी का राइड का एक्सपीरियंस आज बहुत ही शानदार रहा, बस थोड़ा कोऑर्डिनेशन की कमी रही, वो तो फर्स्ट टाइम होता ही है, धीरे धीरे आदत डलती है कोऑर्डिनेशन की। ओवरऑल मेरा, हमारा ग्रुप बहुत अच्छा रहा, और ब्रेकफास्ट भी अच्छा था। यो! हिप हिप हुर्रे! हिप हिप हुर्रे! हिप हिप हुर्रे! चलो, थैंक यू। तो गाइज, हमारे साथ हैं दीपक भाई जो KTM में हैं, और पहले भी आपने देख मिले होंगे मेरे साथ। तो आज फर्स्ट टाइम ये पूरी राइड ऑर्गेनाइज की है इन्होंने, दीपक भाई ने, बताएंगे आज की राइड के बारे में। हेलो गाइस, आज की राइड सीरियसली बहुत ऑसम रही, मेरी लाइफ का एक अच्छा एक्सपीरियंस था। हम लोगों ने फर्स्ट राइड की, थोड़ा डरते डरते की, बट बहुत अच्छा रहा। हम लोग गुजरावाला टाउन GT करनाल रोड अपने शोरूम KTM हसना नॉर्थ दिल्ली से हाईवे मसाला जेवर में आए हैं नोएडा में। और अभी हमारा यहाँ से प्लान है, यहाँ से हम लोग GIP मॉल नोएडा जाएंगे, जहाँ पर ट्रैक एंड टेस्ट राइड हो रहा है, जहाँ हमारे मैक्सिमम दिल्ली NCR के प्रोस्पेक्टिव्स आएंगे, और वहाँ पर हम लोग एक्सप्लोर करेंगे अपनी और राइडिंग को। वहाँ पर कुछ और मॉडल्स होंगे, जो 200 राइड कर रहे हैं वो 250 और 390 अपग्रेड करने के लिए अगर सोच रहे हैं तो राइड ले सकते हैं वहाँ पर। अब वहाँ जा रहे हैं, वहाँ का भी मज़ा लेंगे। यहाँ पर हमारी टीम बहुत खुश है, जितने लोग हमारे साथ आए थे देवर लिटली सेड कि हम लोगों ने ये वाली राइड आज तक पहले कभी नहीं की है। अभी आप उनके मुंह से ये एक्सपीरियंस सुनेंगे। सो अभी तक का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, आगे चल के TNT पे मिलते हैं आपके साथ। थैंक यू सो मच। तो वाकई में आज की राइड ऑसम थी, और बहुत ही मुझे मज़ा आया, क्योंकि KTM के साथ मेरी फर्स्ट राइड है, और
सही सच में बहुत ही ऑसम राइड थी। और अभी जो नेक्स्ट एक्सपीरियंस होने वाला है वो भी काफ़ी अच्छा होने वाला है। ट्रैक एंड राइड पे हम अपनी बाइक, कोई भी बाइक होगी, हम उसको राइड कर सकते हैं, बिली कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो चलते हैं, वहाँ भी एक्सपीरियंस लेंगे। तो गाइस 11 बज चुके हैं और अब हम निकल पड़े हैं द ग्रेट इंडियन मॉल नोएडा की तरफ। और यहाँ से लगभग 45 किलोमीटर का डिस्टेंस दिखा रहा है गूगल भाई। और वहाँ पे हमारी एक KTM की इवेंट होने वाली है, टेस्ट एंड राइड, यानी कि आप कोई भी KTM की बाइक को टेस्ट कर सकते हैं, टेस्ट राइड कर सकते हैं। वहाँ पे एक ट्रैक बना हुआ है, गो कार्ट का ट्रैक है, तो ग्रैंड इंडियन मॉल में गेट नंबर 11 से हमें शायद जाना पड़ेगा। तो वहाँ पे जाके आप राइड कर सकते हैं, कोई भी बाइक आप टेस्ट कर सकते हैं, हाइस करना भी टेस्ट कर सकते हैं। चलते हैं उस इवेंट पे और आज सारी बाइक का KTM का मज़ा लेते हैं। लंच भी शायद हमारा वहीं पे होने वाला है, तो आप बने रहिए मेरे साथ इस ब्लॉग में और मज़े कीजिए। अभी हम आए हैं द ग्रेट इंडिया मॉल नोएडा में और यहाँ पे KTM की इवेंट्स हो रही है, टेस्ट एंड राइड। और यहाँ पे आप कोई भी बाइक को टेस्ट राइड कर सकते हैं। गो कार्ट का ट्रैक है यहाँ पे, तो यहाँ पे जितनी मर्जी स्पीड में चला के आप टेस्ट कर सकते हैं। तो आज वो इवेंट करने आए हैं हम। फर्स्ट सुबह हमने ब्रेकफास्ट किया और ये आफ्टरनून इवेंट है हमारा जो KTM द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तो चलते हैं, करते हैं KTM एडवेंचर के मज़े। तो गाइस ये है गो कार्ट का ट्रैक और ये सामने देखिए टेस्ट एंड राइड हो रही है KTM की। ये सामने पूरा ट्रैक बना हुआ है, इस पर आप बाइक चला सकते हैं, कोई भी बाइक आप चूज़ कर सकते हैं, 125 से 390 जो भी अवेलेबल है यहाँ पे। ये देखिए पूरा ट्रैक है और ये सामने रजिस्ट्रेशन हो रहा है, इसमें DL आपका मैंडेटरी है। चल के रजिस्ट्रेशन कराते हैं फिर देखते हैं क्या होता है। इट इज़ एन एक्सपीरियंस टू राइड डिफरेंट बाइक्स दैट वी हैव इन आवर स्टेबल, ठीक है, राइड फ्रॉम आर 200cc अप टू 390, ठीक है। सो सबसे पहले सेफ्टी का हमेशा हमें पूरा ध्यान रखना है। हेलमेट कंपलसरी है, नी गार्ड्स एल्बो गार्ड्स कंपलसरी हैं, विदाउट दीज थिंग्स ट्रैक पे अलाउड नहीं है आप लोग, प्लीज़ सॉरी, ठीक है। दूसरा, जब हम ट्रैक पे होंगे, ठीक है, जब हम बाइक चला रहे होंगे तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जब हम ओवरटेक किसी को करते हैं, वैसे तो पहली बात ये कि हम यहाँ पर रेस नहीं कर रहे, ये एक एक्सपीरियंस है, ये सब चीज़ सब लोग ध्यान रखिएगा, एक्सपीरियंस है तो रेस नहीं है। कोई इसको रेस समझ के मत चलाइएगा कि मैं अगर जीत गया तो मुझे वर्ल्ड चैंपियनशिप मिल जाएगा, कोई ओवरटेकिंग नहीं। अगर आपको ओवरटेक करना भी है तो ये जो स्ट्रेट लाइन आप देख रहे हैं बस इतने ही एरिया में आप किसी को ओवरटेक कर सकते हैं, और वो भी तब अगर आपके पास जगह है। तो एक राइडर और दूसरे राइडर के बीच में थोड़ा सा गैप जरूर रखें। स्पार्ट पिलिंग हंस करना, स्पार्ट पिलिंग की अभी हम टेस्ट राइड ले रहे हैं। टू भी भाग रही है दबा के एडवेंचर भी भाग रही थी इसका, KTM और हस्करना दोनों की 250। हाँ 400cc की जो इंडियन बाइक है उसके बराबर बराबर है। मैं वो अभी 250 चलाई है, फालतू है बस। हाँ? 3 PS पावर फाल्ट। हाँ इनसे अगर ये 30 है 33 है, दैट्स इट, बराबर भागती है, 19-20 का फर्क है। तो 250 लेनी चाहिए, 400 लेनी चाहिए, 390 एडवेंचर। अगर आपको ज़्यादा टूरिंग करनी है तो 390, अच्छा कम करनी है तो 250, क्योंकि उसके अंदर मीटर कंसोल नॉर्मल है। अच्छा, और 390 मीटर कंसोल पूरा TFT है, कलर कंसोल है, माई डैड का ऑप्शन है, इनकी हो चुकी है, मेरी इनकी होनी है। तो अभी हम हैं GIP मॉल में और यहाँ पे KTM वालों ने लंच का भी इंतज़ाम किया है। ये देखिए सभी की पैक्ड थाली आई हुई है यहाँ पे। हेलो, तो अभी लंच हो रहा है सभी का और ये हमारा है लंच। तो अभी जस्ट लंच करके फिर निकलेंगे यहाँ से सीधा अपने घर की ओर। तो गाइस 4:20 हो गए हैं और हमारा लंच भी फिनिश हो गया है, इवेंट भी हो गई है, सब कुछ काम हो गया है और पूरा दिन आज हमारा फिनिश हो गया है।
तो काफ़ी एंजॉय किया हमने, ब्रेकफास्ट एंजॉय किया, और जो जमुना एक्सप्रेस वे जो हमने बाइक दौड़ाई है उसका तो एक्सपीरियंस ही कमाल का था यार, मज़ा आ गया। मेरे हाथ में थी एडवेंचर 390 और नई बाइक थी, बिल्कुल ब्रांड न्यू बाइक, और ऐसे भाग रही थी, हवा में बात कर रही थी, मतलब मज़ा आ गया यार। और उसके बाद हमने यहाँ पे आके टेस्ट राइड की है KTM एडवेंचर 250 और हस्करना की बाइक, उसमें भी मुझे काफ़ी एंजॉय किया, क्योंकि पिकअप बाइक की यार बहुत मस्त पिकअप है यार दोनों की। तो दोस्तों कोई भी क्वेरी हो आपकी KTM के बारे में, कोई भी बाइक के बारे में, तो मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है जाट ऑन व्हील्स। कोई भी मेरा नया व्यूअर्स है, फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आया है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपका एक पैसा भी नहीं लगेगा और आपको इसी तरह बढ़िया बढ़िया वीडियो देखने को मिलेंगी। तो अंत में दोस्तों, राइड हार्ड, राइड से, वंदे मातरम, जय हिंद, सायोनारा।